ओम नमः शिवाय। ज्ञानानंदम ज्ञानरूपम ज्ञानबीजम सनातनम तपसाम फलदातारम दातारम सर्व संपदाम। अर्थात जो ज्ञानानंद स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान बीज हैं, सनातन देवता हैं, तपस्या के फलदाता हैं, तथा जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाले हैं, मैं उन भगवान शिव की वंदना करता हूँ। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से कल्याण ही कल्याण श्रृंखला के अंतर्गत अपनी आज की प्रस्तुति में हम आपको कर्म और उससे मिलने वाले कर्मफल के प्रायश्चित को एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में कर्म और कर्म फल का विशेष महत्व है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भी हमें ही भुगतना होता है, चाहे वे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे ही क्यों न हों। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का आंशिक प्रभाव उसके कुल समुदाय और परिवार पर भी पड़ता है, लेकिन फल भोग और प्रायश्चित तो उसे स्वयं ही करना होता है। इस प्रसंग को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, सुबाला नाम का एक बालक था। वह जिस रास्ते से स्कूल जाता था उसके बीच में एक आम का बाग पड़ता था। उस बाग के स्वामी ने उस बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बाड़ कर रखी थी, जिससे कि कोई उस बाग में न घुस सके, जबकि पेड़ों की रखवाली के लिए उसने दो माली भी नियुक्त कर रखे थे। जब ग्रीष्मकालीन समय आया तो उस बाग में बहुत से आम लगे हुए थे और कुछ कुछ पक भी रहे थे। एक दिन अपने सहपाठियों के साथ जब सुबाला स्कूल से आ रहा था तो उसने देखा कि बाग में आम पके हुए हैं, तो उसके मन में खाने की इच्छा हुई। उसने अपने साथियों से कहा कि मित्रों, वो देखो कितने सारे आम पक रखे हैं, चलो बाग में घुसते हैं और ताज़े ताज़े आमों का मजा लेते हैं। इस पर उसके मित्रों ने कहा कि हे सुबाला, बाग में आम तो पके हैं लेकिन यह बाग हमारा नहीं है और किसी दूसरे के बाग में घुसना अच्छा नहीं है, इसलिए सीधे घर चलो। लेकिन उस पर मित्रों के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बाड़ को लांघकर बाग में घुस गया, जबकि उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया। इस पर उसके सभी मित्र अपने अपने घर के लिए निकल पड़े, जबकि वह बाग में आम तोड़कर खाने लगा। उसने खूब पेट भरकर आम खाए। कुछ देर बाद बाग के माली की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर डाली। पिटाई खाकर वह खूब रोने लगा, जिससे उसके आंसू निकल पड़े। फिर बाग के मालियों ने उसे उठाकर बाग से बाहर फेंक दिया और कहा कि अगर दोबारा यहाँ आए तो जान से मार देंगे। जब वह रोते रोते घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और उन्होंने उसका नाम और उसके रोने का कारण पूछा। इस पर उसने अपना नाम और अपने साथ घटित होने वाली सभी बातें महात्मा जी को बताई। फिर महात्मा जी ने उसको समझाया कि हे पुत्र सुबाला, ये जो हमारा मन है वह बहुत ही चंचल होता है। उसमें इच्छा जागृत होती है, फिर शरीर से कर्म करवाता है और फिर अंत में फल भी शरीर को ही भुगतना पड़ता है। यह मन ही है, जब तक वश में रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब भ्रमित होता है तो उसके परिणाम भी शरीर को ही झेलने होते हैं, और जब मन अपने पर आता है तो किसी के समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस बात को जानो कि तुम्हारी आंखों ने ही सर्वप्रथम आम को देखा, तुम्हारे मन में आम खाने की इच्छा जागृत हुई, तुम्हारे पैर तुम्हें वहाँ ले गए, तुम्हारे हाथों ने आम को तोड़ा, तुम्हारे मुंह ने आम को खाया और इस प्रकार तुम्हारे पेट में आम पहुंच गए। लेकिन जब माली ने तुम्हें पकड़ा और तुम्हारी खूब पिटाई की तो मार तुम्हारे गाल पर, पीठ पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर पड़ी, परंतु आंसू तो तुम्हारी आंखों से ही आए, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने ही सर्वप्रथम अपराध किया, इसीलिए फलभोग का प्रायश्चित करने के लिए आंसू भी तुम्हारी आंखों ने ही गिराए। जबकि तुम्हारे मित्रों ने तुम्हें बहुत समझाया परंतु तुम नहीं माने और फल खाने की लालसा से बाग में घुस गए, फिर उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा।
इस प्रकार महात्मा जी की बातें सुनकर सुबाला का मन जागृत हुआ और उसने महात्मा जी को दोबारा ऐसा न करने का वचन दिया। तो यह थी कर्म और उससे मिलने वाले कर्मफल के प्रायश्चित के बारे में एक छोटी सी कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए एक नई कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।